इंडिया श्रीलंका तीसरे ओडीआई मुकाबले के लाइव मैच के दौरान आया भूत। भूत को देखकर उड़े सभी के होश। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं इस खबर की पूरी जानकारी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की ओडीआई श्रृंखला का तीसरा ओडीआई मुकाबला आज खेला गया, और इस मुकाबले में एक असंभव सी घटना देखने को मिली। जी हां दोस्तों, बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की ओडीआई श्रृंखला खेली जा रही है। इस श्रृंखला के पहले दो मुकाबले भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिए हैं। पहला मुकाबला भारतीय टीम ने 66 रन से अपने नाम किया था, वहीं दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने 4 विकेटों से जीत दर्ज की थी, जिसके साथ ही भारतीय टीम ने श्रृंखला तो अपने नाम कर ली है। तीसरा मुकाबला जीतकर भारतीय टीम 3-0 से श्रृंखला जीतना चाहेगी। दोस्तों आपको बता दें कि तीसरे ओडीआई मुकाबले में एक हैरान करने वाला दृश्य सामने आया। जी हां दोस्तों, लाइव मैच में एक भूत दिखाई दिया। जी हां दोस्तों, इस भूत को देखकर सभी खिलाड़ियों और क्रिकेट फैंस की होश उड़ गई, क्योंकि किसी भी क्रिकेट मैच में यह घटना पहली बार हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि घटना उस समय की जिस समय भारतीय टीम में गेंदबाजी कर रही थी उस समय श्रीलंकाई बल्लेबाज कुशाल मेंडिस बल्लेबाजी कर रहे थे, और उस समय जो स्टंप्स होते हैं उनकी बेल्स अपने आप नीचे गिर गई। जी हाँ दोस्तों, बिना कोई हवा किसी की सहायता से बेल्स अपने आप नीचे गिर गई, जिसको देखकर अंपायर्स और क्रिकेटर्स सभी के होश उड़ गए, क्योंकि बेल्स का ऐसे अचानक नीचे गिर जाना ये एक अनहोनी घटना है, ये एक असंभव सा कार्य है। तो दोस्तों इसके ऊपर आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।